अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों का सेशन 3 इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, लेवल ऑफ मेजरमेंट, जिसको आज हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि लेवल ऑफ मेजरमेंट किसे कहते हैं। रिसर्च में बहुत एक जरूरी चीज है ये लेवल। जिस तरह आपको पता है हर चीज का एक डिफरेंट लेवल होता है, हर चीज की डिफरेंट स्टेज होती है, हर चीज की डिफरेंट पोजिशन होती है। तो इसी तरह जब आप मैयर करते हैं कोई भी चीज, जब आप मैयर करने लगते हैं तो आपको अपना लेवल डिसाइड करना होता है। यहाँ पे लेवल ऑफ मैयरमेंट का मतलब ये है कि आपने अपने वेरिएबल्स को कैसे मैयर करना है, आप अपने वेरिएबल्स का लेवल क्या सेट करेंगे, यानी कौन सी यूनिट में आप उसको मैयर करेंगे, कौन से ऑर्डर में आप उसको मैयर करेंगे। अब रिसर्च में हमारे पास 4 लेवल ऑफ मैयरमेंट्स हैं जो कि ज्यादातर यूज होते हैं, लेकिन जो ये देख लें, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशो है। लेकिन सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट इटसेल्फ किसे कहते हैं। ये रिलेशनशिप होता है जो वैल्यूज आपने अपने वेरिएबल को दी। हमने उन्हें पिछले सेशन में ये बात दोबारा रिवाइज की थी कि आप अपने वेरिएबल को एक वैल्यू दे देते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0, फॉर एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल 2। हमने मेल को बोल दिया 0 है, हमने फीमेल को बोल दिया 1 है, और हमने चिल्ड्रन को बोल दिया कि 2 है। यानी 0, 1 एंड 2, ये तीन हमने वैल्यूज दे दी, असाइन कर दी अपने वेरिएबल्स को। लेकिन अब इन तीनों वैल्यूज का रिलेशनशिप क्या है, तो ये हमें हमारी चीज पता चलती है लेवल ऑफ मेजरमेंट से। इट्स द रिलेशनशिप ऑफ द वैल्यूज जो हम असाइन करते हैं फॉर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब ये हम लोग जो है रिलेशनशिप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गोइंग टू राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इट टेल्स अस कि इसका रिलेशनशिप कितना वीक है, कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ साथ ये रिलेशनशिप हमारा कितना उसकी तरफ जा रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यहाँ पे बैकवर्ड आते हैं तो कितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर ये हमारे पास 0 पे होता है तो ये कितना हमारे पास न्यूट्रल है। तो ये अगर हम लाइन से ड्रॉ करें तो हमें रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा अच्छा पता चल जाता है। बेसिकली हम लेवल ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। जो हमने वेरिएबल को एट्रीब्यूट असाइन किया है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप। जैसे वैल्यूज हमने दे दी 1, 2 एंड 3, तो उनकी रिलेशनशिप क्या है। 1 की रिलेशनशिप 2 के साथ क्या है, 2 की रिलेशनशिप 3 के साथ क्या है, 3 की रिलेशनशिप 1 के साथ क्या है, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, ये तमाम बातें हमें लेवल ऑफ मेजरमेंट्स डिसाइड करती हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हमें बताती हैं। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमने इसको स्टेटिस्टिकली एनालाइज करना होता है। देखें, आपने रिसर्च कैरी आउट की, आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया, अब आप उस डेटा का क्या करेंगे। अब आपने उस डेटा को एनालाइज करना, स्टेटिस्टिकली एनालाइज करना है। आपको स्टेटिस्टिकल टूल्स चाहिए होते हैं, आपको प्रॉपर टेस्ट चाहिए होते हैं और प्रॉपर फॉर्मेट्स चाहिए होते हैं। हर फॉर्मेट की कोई ना कोई कंडीशन होती है, हर चीज का, हर लेआउट का कोई ना कोई डिमांड्स होती हैं जो कि फुलफिल करनी चाहिए। तो इसीलिए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो है हम डिसाइड करते हैं, 0 हमने कैटेगरी दे दी फीमेल को, 1 कैटेगरी दे दी हमने मेल को, और 2 कैटेगरी हमने दे दी स्टूडेंट्स को। हमने वैल्यूज असाइन कर ली ताकि हम अपने डेटा को स्टेटिस्टिकली एनालाइज कर सकें, और फिर हमें हेल्प करते हैं ये टू इंटरप्रेट द डेटा फ्रॉम दैट वेरिएबल। हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उसी वेरिएबल की जो हमारे पास डेटा कनेक्ट हो। 4 हमारे पास थे लेवल ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले है नॉमिनल मेजरमेंट, ठीक है। नॉमिनल को आप हमेशा एन से, इंडिकेशन से याद रखें, एन फॉर नॉमिनल एंड एन फॉर नेम। इसमें आप अपने वेरिएबल को, आप अपने एट्रीब्यूट को एक यूनिकली नेम कर देते हैं, एक यूनिक नेम दे देते हैं, एक मुनफरिद नेम दे देते हैं, जो कि म्यूचुअली शेयर्ड नहीं होता किसी के लिए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। यानी आपने अगर 0 दे दिया है, 0 नेम दे दिया है, या आपने, यस, 0 नेम दे दिया है फीमेल को, तो वो 0 नेम आप मेल को भी नहीं अब देंगे, और आप चिल्ड्रन को भी नहीं देंगे। आपकी रिसर्च में, पूरे आपके डेटा में ये बात पता है, ये बात कंफर्म है कि 0 इंडिकेट कर रहा है, जहां जहां आपने वर्ड 0 लिखा है, जहां जहां वर्ड आपने डेटा में 0 यूज किया है, ये इंडिकेट करेगा कि आप यहाँ पे मेल कैटेगरीज की या फीमेल कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं जिसको आपने ये वैल्यू असाइन किया, ठीक है। इसमें यू जस्ट नेम देम, यू जस्ट नेम द वेरिएबल्स। नॉमिनल मीन्स यू जस्ट नेम द वेरिएबल्स, वेदर दे आर इन ए बी सी, वेदर दे आर इन एक्स वाई जी, ठीक है।
नेम डज नॉट इम्प्लाई एनी ऑर्डरिंग ऑफ द केस, ये ऑर्डर नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कि 1 पे मैंने फीमेल रखी है, 2 पे मैंने मेल रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल नंबर 1 है सोसाइटी में और मेल नंबर 2 है सोसाइटी में। थिंग्स आर नॉट लाइक दिस इन दिस केस। इसका मतलब ये है कि आपने 1 को और 2 को उन दोनों वेरिएबल से, उन दोनों एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ सिंपली आपने उनको नेम किया है, क्योंकि आप बार बार फीमेल 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 नहीं लिख रहे थे, इसलिए आपने फीमेल को एक वैल्यू असाइन कर दी। आप बार बार MALE मेल नहीं लिख रहे थे कि मेरे पास 100 क्वेश्चन आए रहे, और जब मैं 100 क्वेश्चन आए का डाटा अपने इनपुट करती हूँ फॉर एनालिसिस, तो मैं बार बार ये नहीं लिखती कि कौन क्वेश्चन आए मेरे पास MALE का आ गया, MALE का आ गया। ठीक है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं रादर उसकी क्या करती हूँ कि मैं मेल को 2 से इंडिकेट करती हूँ, और मैं सिर्फ देखती हूँ 2, एक और क्वेश्चन आए 2, एक और क्वेश्चन आए 2, एक और क्वेश्चन आया 1, यानी कि फीमेल का ही क्वेश्चन आया, फिर एक और क्वेश्चन आ रहा है 1, फिर एक और आया 2, यानी कि डिजिट मुझे डालना मेरे सिस्टम में ज्यादा टाइम सेविंग है, एनर्जी सेविंग है, बजाय के इसके मैं पूरे पूरे जो है उनके नेम्स रखूँ। इसलिए जो मैंने मैयर किया अपना वेरिएबल, किसमें मैयर कर लिया उनको, सिंपल नेम में मैयर कर लिया कि मैंने उनको एक नेम दे दिया, और उस नेम का हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं। अगर आप वो नेम नंबर्स में दे रहे हैं ना, जैसे 1 2 3 4 0 1 2, तो उस नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि आप ऑर्डर कर रहे हैं केस को। ठीक है, यानी कि आप वेरिएबल्स को ऑर्डर कर रहे हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। मैं कहती हूँ अली का नंबर 1 है, सलमान का नंबर 2 है, दैट डजंट मीन कि अली नंबर 1 आया है क्लास में और सलमान नंबर 2 आया है। नॉमिनल मेजरमेंट में हम ये नहीं देखते। ठीक है, जब हम अपने वेरिएबल को नॉमिनल मेजर कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ नेम से उसका ताल्लुक रखते हैं, और उसके नेम से उसकी परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं होता। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये आपको ऑर्डरिंग फॉर एग्जाम्पल दी हुई है जर्सी नंबर्स इन फुटबॉल, या आप क्रिकेट के जर्सीज देख लें, उसमें नंबर 10 है अगर शाहिद अफरीदे का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि टीम में वो 10वें नंबर पे खेलता है, या उसका अगर जर्सी नंबर 9 है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 9th नंबर पे बैटिंग करने आया था। उसका सिर्फ ये हम लोगों ने नाम रखा हुआ है, ठीक है, उस वेरिएबल का, प्लेयर का हमने सिर्फ ये नाम रखा हुआ है, और ये रखते भी इसलिए हैं क्योंकि वो नाम बड़े से हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं उनकी टी शर्ट्स पे, उनकी जर्सीज पे, तो दूर बैठे कमेंटर्स को और दूर बैठे स्क्रीन को नजर आ जाता है कि नंबर 9 इज मूविंग, या नंबर 9 ने कैच ड्रॉप किया है, नंबर 9 ने 6 हिट किया है, तो इट बिकम्स सो मच इजी फॉर द अंडरस्टैंडिंग। राइट, तो सेम इज द केस विद द रिसर्च, व्हेन यू नेम एनी वेरिएबल, व्हेन यू असाइन अ यूनिक नंबर, और व्हेन यू असाइन अ यूनिक कोड टू एन नंबर, व्हेन योर वेरिएबल इज नॉमिनल, तो इट बिकम्स योर नॉमिनल मेजरमेंट। तो आप ही बोलेंगे कि मैं अपने अपने वेरिएबल को नॉमिनल मेजरमेंट का मेरा ये डाटा है। ठीक है, अब इसमें जो आप लोगों ने नेम किया था ऑर्डर को, जिस तरह आप लोगों ने फुटबॉल प्लेयर्स को डिफरेंट आपने क्या दिए थे, नंबर दिए थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 32 प्लेयर का मतलब ये नहीं है कि प्लेयर 19 से वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, या प्लेयर 19 बहुत अच्छा है, 32 बहुत नीचे लोअर पे आता है, उसका ये मतलब भी नहीं है कि 19 प्लेयर ने 19 गोल्स किए हैं, 32 प्लेयर ने 32 गोल्स किए हैं, इसका ये मतलब है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि 32 इज द नेम ऑफ दैट प्लेयर एंड 19 इज दैट नेम ऑफ द प्लेयर। ठीक है, यू कैन नॉट से फ्रॉम द डेटा, आप उस डेटा से कलेक्शन नहीं कर सकते कि 19 इज ग्रेटर या 32 इज ग्रेटर देन 19 या 32 हैज हिट 32 गोल्स इन द हिस्ट्री। यू कैन नॉट से दैट बिकॉज़ दीज नंबर्स हैव नो वैल्यू व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, दे आर ओनली द नेम्स ऑफ सम। ठीक है, व्हेन आई नेम यू, मेरे क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, मैं हर स्टूडेंट को ये बोल दूं आप नंबर 1 है, आप यू आर नंबर 2, यू आर नंबर 3, यू आर नंबर 4, यू आर नंबर 5, सो दैट आई कैन टॉक इन अ वेरी यूनिक वे कि नंबर 5 के नोट्स कंप्लीट नहीं है, नंबर 4 की प्रेजेंटेशंस कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट जो है मेरी क्लास में नंबर 4 पे लाई कर रहा है, या वो स्टूडेंट मेरी क्लास में नंबर 5 पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि दीज आर जस्ट द यूनिक नेम्स, डेटा जो है मेरा नॉमिनल है, इसीलिए मैंने उसको सिर्फ यूनिक नेम्स दिए हुए हैं। उसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि उनके परफॉर्मेंस से इनका कोई ताल्लुक है, इनके ऑर्डर से कोई इनका ताल्लुक है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता। राइट, ये हमारा था नॉमिनल मेजरमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास कभी कभी डेटा ऑर्डर में होता है, जिसे हम ऑर्डिनल मेजरमेंट में की कैटेगरी में डालते हैं। ऑर्डर मेजरमेंट जैसे कि आपको नाम से इंडिकेशन मिल रहा है कि इट इज समथिंग इन ऑर्डर, ऑर्डिनल का रूट वर्ड है ऑर्डर, यानी कि आपका वो डेटा जो कि आपके ऑर्डर में हो, जो कि आपका रैंक ऑर्डर में,
है, यानी कि एक तरीके से लिखा हुआ हो, 0, 1, 2, 3, 4, और उस ऑर्डर का कोई ना कोई मतलब भी हो। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था नॉमिनल में 0, 1, 2 अगर मैं लिखती हूँ तो उसका कोई मतलब ये नहीं है कि 0 मींस के चिल्ड्रन की कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, 1 मेल है तो 1 नंबर 1 सोसाइटी में जी मेल है, और नंबर 2 जो है वो मेल के बाद आती है, फीमेल आती है, उसमें उसका ये कोई ताल्लुक नहीं था, बिकॉज माई डेटा वर नॉमिनल। बट वेन माई डेटा आर ऑर्डिनल, तो उसमें जब मैं रैंक ऑर्डर करूंगी तो इट मीन्स के मेरा जो डेटा है इट हैज समथिंग टू डू विद द ऑर्डर्स। लेट्स सी एन एग्जांपल्स फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके जो डिस्टेंस होते हैं दे डू नॉट हैव एनी मीनिंग, इसकी भी बात मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 और 2 से 3 का जो डिस्टेंस है उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि कितना डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस नहीं है। मेरा ताल्लुक सिर्फ इसी इससे है, मेरे डेटा का ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है कि उनका रैंक ऑर्डर कैसा है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 पे अगर फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन हु लाइक्स एप्पल्स ऑन नंबर 1 एंड बनानास ऑन नंबर 2 एंड ग्रेप्स ऑन नंबर 3। ठीक है, तो ये उसकी है प्रेफरेंस रेंज है, तो प्रेफर करता है नंबर 1 पे एप्पल्स को, नंबर 2 पे बनानास को, नंबर 3 पे ग्रेप्स को प्रेफर करता है। ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 और 2 और 2 3 का डिस्टेंस वो कोई मैटर ही नहीं करता ऑर्डिनल मेजरमेंट में। ठीक है, बट बिकॉज आई एम ओनली लुकिंग एट द ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, ऑर्डर्स ऑफ द डेटा, राइट। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल गिवन हियर, एजुकेशन का कोड हमने डाल दिया कि किस बंदे ने कितना कितना एजुकेशन अटेन किया है। फॉर एग्जाम्पल 0 हमने बता दिया कि लेस देन हायर सेकेंडरी, 1 है सम हायर सेकेंडरी एजुकेशन का, उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, 2 का मतलब है हायर सेकेंडरी की डिग्री है उसके पास, 3 का मतलब है सम कॉलेज डिग्री है उसके पास, 4 का मतलब है सम कॉलेज डिग्री है उसके पास, और 5 का मतलब है पोस्ट डिग्री, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट डिग्री। अब आप इसमें ऑर्डर्स नोटिस करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अभी ऑर्डर्स का तो मतलब समझ आ रहा है, 0 मतलब कि बिल्कुल ही उसके पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है, 1 का मतलब कुछ उसके पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, 2 का मतलब कि उसके पास डिग्री है, 3 का मतलब कुछ कॉलेज के एजुकेशन है उसके पास, 4 का मतलब कॉलेज डिग्री है, और 5 का मतलब कि उसके पास पोस्ट कॉलेज डिग्री है। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर्स का मतलब तो है, ऑर्डर्स के पीछे कोई ना कोई कहानी तो छुपी है। व्हेन आई से कि द पर्सन इज 3, एजुकेशनल अटेनमेंट उसकी क्या है 3, मतलब क्या सम कॉलेज, 3 इंडिकेट कर रहा है मेरी ये स्टोरी को कि सम कॉलेज एजुकेशन ही पोजेसेस, राइट। बट द डिफरेंस बिटवीन 0, 1, 2, 3 कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज़ द डिस्टेंस बिटवीन 1 टू 2 इज नॉट द सेम विद 3 टू 4। 1 टू 2 में क्या है, सम हायर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी डिग्री। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो इयर्स का डिस्टेंस है, जो एजुकेशन का डिस्टेंस है, वो सेम है या सेम नहीं है जिस जो हम लोगों ने कॉलेज डिग्री और पोस्ट कॉलेज डिग्री में किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस रियली डोंट मैटर इन ऑर्डिनल मेजरमेंट। यहाँ पे वही बात हमने दोबारा से एक्सप्लेन की भी है विद अ क्वेश्चन कि वेदर देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन 0 to 1 एंड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 1 इज द सेम एज 3 to 4, राइट। अब ऑर्डिनल मेजरमेंट के बाद हमारे पास एक डेटा जब कलेक्ट हो जाता है तो वो हमारे पास कुछ डेटास ऐसे कलेक्ट होते हैं जिनको हमको इंटरवल मेजरमेंट करनी होती है। इंटरवल डेटास हम इनको कहते हैं कि हमारे मेजरमेंट करनी है। इंटरवल का मतलब रूट वर्ड इंटरवल से निकला है, इंटरवल मींस डिस्टेंस, पॉज, ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने देखे ऑर्डर में ये बात पढ़ी कि डिस्टेंस हैज नो मीनिंग बिटवीन द वेरिएबल्स, बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या कहते हैं, वैल्यू जो आपने वेरिएबल को दी है, राइट। तो अब इंटरवल मेजरमेंट में द डिस्टेंस काउंट्स, अब इसमें जो है डिस्टेंस डज मैटर, जो आपने एट्रीब्यूट के जो आपने वैल्यू दी हुई है उसमें डिस्टेंस काम आता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है, डिस्टेंस फ्रॉम 30 to 40 इज सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम 70 to 80, यानी के 10 फ़ारेनहाइट का जो डिफरेंस है वो 30 to 40 भी सेम है, यानी 30 से 40 पे जब बढ़ेगा 10 फ़ारेनहाइट के डिस्टेंस से बढ़ेगा। इसी तरह अगर 70 से बढ़ाएंगे आप टेम्परेचर 80 तक ले जाने के लिए तो 10 डिग्री से ही बढ़ेगा, यानी 10 फ़ारेनहाइट से ही बढ़ेगा। इसको कहते हैं हम इंटरवल मेजरमेंट्स व्हेन आर डेटा इन आर इंटरवल फॉर्म।
हमारे पास इंटरवल फॉर्म में, डिस्टेंस के फॉर्म में हमारे पास चीजें हो. फॉर एग्जाम्पल 30 है, फिर 50 है, फिर 60 है, किसी के मार्क्स आए हैं 60 मार्क्स आए हैं, फिर 70 मार्क्स आए हैं, फिर 80 मार्क्स आए हैं. उसमें हमें देखना होता है कि हमारा डिस्टेंस जो है वो कैसा है, इक्वल है या अनइक्वल डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस क्या मीनिंगफुल है हमारे डेटा के लिए या मीनिंगफुल नहीं है. ये हमें बात कैसे पता चलती है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ आवर स्टडी, अकॉर्डिंग टू द स्टडी वी आर डूइंग, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन आवर रिसर्च. जो प्रॉब्लम हम स्टेट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम एड्रेस कर रहे हैं, हम उसको ये चीज देखते हैं. ठीक है, इंटरवल मेजरमेंट में आप लोगों ने देखना है 80 डिग्री इज नॉट, इसी को हम लोगों ने लिखा हुआ है डिटेल में, 80 डिग्रीज इज नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 40 डिग्रीज, ऑल्दो द एट्रीब्यूट वैल्यूज आर. अब देखें इस बात को समझे बहुत गौर से, कि 80 डिग्री जो है 40 डिग्री के ट्वाइस हॉट नहीं आप कह सकते. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से द टेम्परेचर इज 80 डिग्री, ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 40 को डबल कर लो, ठीक है, क्योंकि उसके डबलिंग में, उसके डिस्टेंस में वो मीनिंग नहीं होगा जो कि 80 इटसेल्फ में है. रेशियोज डज नॉट मेक एनी सेंस इंटरवल में, ये बात आप याद रखें. रेशियो क्या होती है, ट्वाइस थ्राइस, मैंने उससे वंस, उसको वंस टाइम, वन टाइम किया, उसको थ्राइस किया, उसको क्वाड्रुपल किया, मतलब 4 टाइम्स किया, तो ये आपके मैटर नहीं करते इंटरवल रेशियो में, क्योंकि डेटा ऑलरेडी आपके पास इंटरवल फॉर्म में गिवन होता है, यानी कि ऑलरेडी उसमें एग्जिस्टेंस होती है डिस्टेंस की. अब हमारे पास है रेशियो मेजरमेंट. रेशियो मेजरमेंट किसे कहते हैं, विच हैज एब्सोल्यूट जीरो से जो स्टार्ट होती है, जैसे कि हमारे पास वैल्यूज है, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर है, जीरो भी होता है, ठीक है, जीरो से लेकर हमारे पास टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, यानी कि यहाँ पे जीरो का भी मतलब कोई हो, ठीक है. अगर आप इसको ऊपर देखें नॉमिनल वैल्यू में, हमारे पास जीरो का कोई मतलब नहीं था. जीरो का मतलब था जस्ट अ नेम, जीरो इंडिकेटेड के आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल स्टूडेंट्स, राइट, एंड वन इंडिकेटेड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट मेल स्टूडेंट्स और मेल कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी, और उसका कोई मीनिंग नहीं था. लेकिन जब यू टॉक अबाउट रेशियो मेजरमेंट, तो इट मींस जीरो हैज एन एंटायर स्टोरी विद इन इटसेल्फ. व्हेन यू से द टेंपरेचर इज जीरो, इट मींस द टेंपरेचर इज वेरी कोल्ड, राइट. तो यहाँ पे जीरो का बहुत ज्यादा मीनिंग होता है और इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, और इसकी जो मेजरमेंट स्टार्ट होती है रेशियो मेजरमेंट, वो स्टार्ट की फ्रॉम जीरो होती है. द नेक्स्ट इज दैट इट कैन कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल रेशियो फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की फॉर्म में यू कैन राइट फॉर एग्जांपल 0:1, ठीक है, वन फॉर एग्जांपल अ थिंग इज हैपनिंग वंस, अ थिंग इज हैपनिंग डबल, 1:2, 0:2, ठीक है. अगर एक चीज 0 दफा हो रही है तो दूसरी चीज जो है, जो दूसरा उसका वेरिएबल है, उसका ट्वाइस हो रहा है, ठीक है. अगर एक चीज 1 टाइम हो रही है तो दूसरा वेरिएबल उसके 4 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो आप लोगों ने ये मैथ्स और फिजिक्स में ये चीज आती है रेशो, और ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस भी की हुई है. यू कैन सी दी अदर एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन योर नोट्स जो मैंने आपको दिए हुए हैं, तो उसमें आप ये रेशो को और डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. रेशो मेजरमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कुछ डेटा हमारे पास ऐसे मौजूद होते हैं जिसकी वैल्यू ही हमने जीरो से निकालनी होती है, जिसको हमने देखना ही होता है कि 0 से लेकर 1 तक वो कितना हमारे पास स्ट्रॉन्गली एग्जिस्ट करता है या कितना हमारे पास वीकली एग्जिस्ट कर रहा है. यानी कि जब भी रेशियो मेजरमेंट की बात आए, तो इट मींस दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, और 0 ऐसा नहीं है कि निल, बट इट हैज सम मीनिंग, ठीक है, इट हैज एब्सोल्यूट मीनिंग. एब्सोल्यूट 0 दैट इज मीनिंगफुल, ये बात हम लोग कर चुके हैं. कैन कंस्ट्रक्ट फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन पास्ट 6 मंथ्स. वेरी नाइस एंड वेरी इजी एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द रेशियो कॉन्सेप्ट. अगर मैं कहूँ कि पिछले 6 महीने से मुझे बताओ कि मेरे कितने कस्टमर्स हैं इस शॉप के, एंड यू से 0, तो इट मीन्स कि 0 इज मीनिंगफुल. 0 मीन्स कि देयर इज अ लैक ऑफ परफॉर्मेंस. इतनी परफॉर्मेंस ही नहीं थी या इतनी सेल ही नहीं की हमारे प्रोडक्ट ने कि इट ऑब्टेन्ड 0 कस्टमर्स. और वेन आई से कि हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन योर लास्ट टेस्ट, एंड यू से 0, राइट. तो यहाँ पे हमारे 0 का जो स्टोरी है वो डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे 0 का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. बट व्हेन आई से के व्हाट इज द नंबर, व्हाट आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय 0 स्टूडेंट ऑफ आर क्लास, और मुझे पता है कि 0 मैंने किसको मैयर किया हुआ है, 0 किसको मैयर किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए को मैयर किया, तो वहां पे हमारे पास 0 मीनिंग लेस होगा, और यहाँ पे उसका जितने उसने मार्क्स ऑब्टेन अगर 0 किए हैं या उसके पास क्लाइंट्स 0 आए थे फॉर द पास्ट 6 मंथ्स,
तो वो उसके पास ये मीनिंगफुल हो जाएगा, यही वाला जीरो। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने, देखें, कोई भी चीज जो है ना बेमकसद नहीं बनाई, तो जो जीरो भी बना है वो भी उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, और वो रीजन हमें रेशो मेयरमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। ये ज्यादातर आप वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, या फिर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स के लिए यूज करनी है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग के लिए यूज करनी है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी मीन हाउ मेनी टाइम्स अ थिंग इज हैपनिंग, कोई भी काम कितनी दफा हो रहा है। ठीक है, आपने कोई भी काम की अकरिंग, कोई भी काम की हैपनिंग कितनी दफा की है, बार बार। ये चीजें कुछ ऐसी हैं बेटा, डेफिनेशन ऐसी होती है, व्हेन यू स्टडी द रिसर्च, व्हेन यू स्टडी द रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड द मेथड्स रिलेटेड टू द रिसर्च, यू स्टडी द प्रोसेसेस ऑफ रिसर्च, तो देयर आर सम टर्म्स, देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज व्हिच यू कीप इन योर माइंड 24/7। यानी कि अगर आपसे एक फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, तो यू शुड नो वेरी, यू शुड नो इन क्लियर टर्म्स के ये कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स अ थिंग इज हैपनिंग। इसी तरह अगर आपसे कोई ये वेरिएबल्स की बात होती है, तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल इज अ टर्म दैट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कंट्री टू कंट्री, एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, जो कोई भी आपकी चीज कॉन्स्टेंट ना रहे, राइट। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, कमिंग बैक टू द रेशियो, कमिंग बैक टू द एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ रेशियो, इट इज मीनिंगफुल टू से दैट वी हैव ट्वाइस एज मेनी क्लाइंट्स इन द पीरियड एज वी डिड इन द प्रीवियस 6 months। अब यहाँ पे देखें, ट्वाइस, पहले हमने कहा कि जीरो कस्टमर्स हैं, जीरो क्लाइंट्स हैं, और नाउ वी आर सेइंग कि ट्वाइस एज मेनी क्लाइंट्स हैं, उसको हमने कंपेयर कर दिया जितने के हमने प्रीवियस 6 months में लिए थे। अगर प्रीवियस 6 months में हमारे पास 6 क्लाइंट्स थे, तो इस मंथ में ट्वाइस कितने होंगे, 6 into हम लोग उसका 6 का वो ले लेंगे, डबलिंग कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल मैथमेटिकल रूल से करते हैं। तो यू विल गेट टू नो द आंसर ऑफ दिस मंथ, यू विल गेट टू नो द नंबर ऑफ क्लाइंट्स फॉर दिस मंथ। ठीक है, तो दिस इज हाउ रेशो मेजरमेंट वर्क्स फॉर यू, दिस इज हाउ द रेशो मेजरमेंट कंसिडर्स द वेरिएबल। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द वेरिएबल्स, द हायरार्की ऑफ वेरिएबल्स है। हायरार्की किसे कहते हैं, कोई भी चीज के आप कह लें, हियर से वर्ड निकला है, जिसको जिसका नॉर्मल वर्ड है वरासत, हायरार्की द स्टेजेस ऑफ लेवल्स आप कहते हैं, कि कौन सी चीज अच्छी तरह ऊपर जाना है, द ट्री डाउन है या ट्री अप है, कैसे मेजर कर सकते। अब जो कि हमने तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो स्टडी कर लिए, तो यू कैन नोटिस बाय योर ओन सेल्फ के कौन सी मेजरमेंट ज्यादा ऑथेंटिक कंसिडर हो सकती है, और कौन सी मेजरमेंट जो है वो थोड़ी सी वीक कंसिडर की जा सकती है। ठीक है, कंसिडर दिस एज अ स्टेयर केस, कोई भी स्टेयर है उसमें आपने ऊपर चढ़ना है। सबसे पहले वाला जो आपका स्टेप है वो है 9 मिनट, यानी कि सबसे लोएस्ट, सबसे लीस्ट कंसिडर्ड जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, दैट इज 9 मिनट। ये नॉमिनल मेजरमेंट हमारी बहुत वीक होती है, बिकॉज इट इज जस्ट अ नेम, द डेटा डज नॉट प्रोवाइड यू, द डेटा डू नॉट प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन। व्हेन यू हैव रिटन 1, 2, and 3, it means these are specific names. They are just names for an attribute. 1, 2, or 3 का मतलब आपके डेटा में और कोई भी नहीं है। तो इसलिए जब आप मेयरमेंट करते हैं इसके, जिसे आप कहते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, यानी कि द वेरिएबल्स विच आर एग्जिस्टिंग इन योर सोसाइटी, लाइक जेंडर, जो आपका जेंडर है वो 1 or 2 भी हो सकता है, मेल फॉर 1 एंड फीमेल फॉर 2। अगर आपके पास इनकम है, डेमोग्राफिक वेरिएबल में यू आर लुकिंग फॉर द लेवल ऑफ इनकम, तो आप कहते हैं कि 1 मेरी रेंज है फ्रॉम 20,000 to 40,000, 2 मेरी रेंज है फ्रॉम 45,000 to 50,000। इस तरह आप उसके जो है नॉमिनल को नेम कर देते हैं अपनी रेंज ऑफ इनकम्स की। ठीक है, तो नॉमिनल आपके ज्यादातर वहां यूज होती है व्हेन यू हैव सम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, और दोज वेरिएबल्स व्हिच डू नॉट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन दे आर इन रिलेशनशिप विद द अदर वेरिएबल्स, राइट। क्योंकि आपको रिलेशनशिप नॉमिनल नॉमिनल मेजरमेंट नहीं इंडिकेट करती, ना तो आपको ये इंडिकेट करती है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मीनिंगफुल है या वो मीनिंगफुल नहीं है। दैट इज वाई ये तब यूज होती है जब आपको कोई काम ही ना हो, आपको जो डेटा से आपने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेनी हो, मल्टीपल इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए नॉमिनल मेजरमेंट आइडियल नहीं होगी। तो व्हेन यू कलेक्ट द डेटा, you look at your data very carefully and you decide whether the data is in nominal or whether the data is ordinal, or you want or ye aapne jo data collect kiya hai ye interval hai ya fir ye ratio wala data hai।
यानी कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। आपने क्लाइंट्स देखने थे कंपनी के, तो आपको रेशो ज्यादा आइडिया लगा कि कितने टाइम्स मेरे 6 मंथ से, प्रीवियस 6 मंथ से या मेरे प्रीवियस 7 मंथ से कितने टाइम्स मेरे जो क्लाइंट्स है वो इंक्रीज हुए हैं या वो डिक्रीज हुए हैं, राइट। तो ये चीजें आपको नॉमिनल नहीं बता सकता, ठीक है। नॉमिनल मेजरमेंट आप यूज ही नहीं कर सकते व्हेन यू वांट टू नो द नंबर ऑफ क्लाइंट्स, बिकॉज आपको नंबर ऑफ क्लाइंट्स तो पता करने हैं कि दे आर इंक्रीजिंग या दे आर डिक्रीजिंग, तो नॉमिनल आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता। नॉमिनल सिर्फ आपको बता देता है कि दिस इंडिकेट्स दिस एंड दिस इंडिकेट्स दिस। नॉमिनल मींस जस्ट टू नेम द वेरिएबल्स, एंड से आप हमेशा याद रखें, राइट। सो नॉमिनल सबसे लीस्ट स्टेयर केस है, यानी कि वेरी वीकेस्ट और सबसे फर्स्ट पे जो है ना ये कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, इफ यू गो अप, इट इज सेज दैट एट्रीब्यूट्स आर ओनली नेम्ड, दिस इज वीकेस्ट। आपने नेम कर लिया और इसके आपको फ्यूचर इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। वन कैसा परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कैसा कर रहा है, वन प्लेयर थर्ड प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, या आपको उसकी जर्सी नंबर नहीं बताएगा, या आपको वो नंबर भी नहीं बताएगा जो आपका साइन हुआ वो, बिकॉज एट्रीब्यूट्स आर ओनली नेम्ड, आपने नेम कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर हॉट है या कोल्ड है, आपने कह दिया कि हॉट जो है मैं 1 से बताऊंगा और जो कोल्ड है वो मैं 2 से बताऊंगा, तो फिर आपने वेदर को जब भी कलेक्ट किया, 2 दिन का 7 डेज का आप डेटा देख रहे हैं, तो आप देखेंगे डे वन वन यानी कि डेटा सॉरी आपका वेदर जो है वो हॉट है, डे टू टू यानी कि आपका वेदर कोल्ड था, डे थ्री वन, डे थ्री में यानी कि वेडनेसडे को इफ यू से, तो आपका डेटा आपका जो वेदर है वो अगेन कोल्ड है, यानी कि और इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता चल रही, क्योंकि आपने एट्रीब्यूट्स को सिर्फ नेम किया था। और ये आपने क्यों इसको नॉमिनल यूज किया वेदर के लिए, बिकॉज दैट वाज योर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी। आप सिर्फ स्टडी ही ये कर रहे थे, आपने सिर्फ फाइंड आउट ही ये करना था कि आज वेदर हॉट है या आज वेदर कोल्ड है, इसके मुतालिक आपकी पर्पस ऑफ स्टडी कोई भी नहीं थी, इसीलिए यू कंसिडर्ड नॉमिनल एज एन आइडियल अप्रोच फॉर योर रिसर्च, ठीक है। जब आपके पास आपको पता हो कि आपने डेटा जो है जो कलेक्ट करना है वो किस लेवल पे मैयर होगा, तो थिंग्स बिकम वेरी मच इजी फॉर यू। दैट इज व्हाई एज अ रिसर्चर यू शुड नो कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैयरमेंट एंड व्हाट योर डेटा नीड्स टू बी मैयरमेंट, ठीक है, इन व्हाट लेवल। नॉमिनल के बाद आप देखें तो हमारे पास लेवल आता है ऑर्डिनल का। ऑर्डिनल जैसे हमने रिपीट किया है दैट द रूट वर्ड इज ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर से ये निकला है। ऑर्डर मीन्स हर चीज एक ऑर्डर में हो, फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न फ्रॉम 1 2 3 4, राइट। एंड लेट्स सी व्हाट ऑर्डिनल हैज टू ऑफर अस। इट कैन बी ऑर्डर, एट्रीब्यूट्स कैन बी ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से द परफॉर्मेंस ऑफ माय स्टूडेंट्स इन रिसर्च क्लास, और मैं जो उनकी नंबर्स जो हैं वो मेजर कर लेती हूँ, 24 15 16 9, तो मैं जब इनको ऑर्डर करूंगी तो 9 पहले आएगा, 15 बाद में आएगा, 16 बाद में आएगा, 19 बाद में आएगा, 25 आखिर में आएगा, यानी कि आई ऑर्डर्ड द नंबर्स, आई ऑर्डर्ड द मार्क्स ऑफ 10, ठीक है। अब इस जो मैंने ऑर्डर कर लिया, इससे मुझे तो पिक्चर समझ आ गई कि व्हाट इज द लीस्ट अटेंड नंबर इन माय क्लास एंड व्हाट आर द मोस्ट अटेंड नंबर इन माय क्लास। सबसे कम किसने लिए हैं, कौन से लिए हैं नंबर, और सबसे ज्यादा नंबर कौन से, आई कैन गेट अ रेंज, ठीक है, कि ज्यादा मार्क्स कहाँ तक मेरे गए हैं सब्जेक्ट में और ज्यादा कम जो है किस सब्जेक्ट में गए हैं, ठीक है। ये ऑर्डर से तो मुझे पता चल गया, बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑर्डर्स हैज नो मीनिंग। अब जिस बच्चे ने 9 मार्क्स अचीव किए थे वो, और जिस बच्चे ने 15 मार्क्स अचीव किए थे, 9 और 15 में जो डिस्टेंस है, 9 और 15 में जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज मीनिंगलेस, इट हैज नो मीनिंग टू मी एट ऑल। ना मेरे लिए वो फायदेमंद है, ना मेरे रिसर्च के लिए वो फायदेमंद है, ना मेरे डेटा से मुझे कोई मीनिंग निकल रहा है कि उनका डिस्टेंस भी मैंने देखा है, ठीक है। तो इट इन दीज ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट यू द एट्रीब्यूट्स आर ओनली ऑर्डर्ड, ठीक है, इनको ऑर्डर किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर किया जाता है या डिसेंडिंग ऑर्डर किया जाता है। असेंडिंग मीन्स टू गो अप एंड डिसेंडिंग मीन्स टू गो डाउन। आप डिसेंड करते हैं, डिटोरिएट करते हैं, असेंड में आप जो है अपलिफ्ट करते हैं। तो जब आपने अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, ऑर्डर कर लिया अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, अच्छा ये बात हमेशा बेटा बात माइंड में रखें कि ये जो आप लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं दे आर यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और ये की भी जाती है फॉर योर डेटा प्रिपरेशन, सॉरी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आपके डेटा के इंटरप्रिटेशन के लिए की जाती है, और
कौन सी अप्रोच आपको लेनी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर डेटा. जैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, अब आपने डेटा कलेक्ट किया है, मैंने आपको एग्जांपल दी फीमेल और मेल का, तो उसमें ऑब्वियसली आप सिर्फ नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यू कैन ओनली असाइन वन और यू कैन असाइन टू टू दीज पीपल, राइट. बट वेन यू आर कैलकुलेटिंग द मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, परसेंटेज ऑब्टेन कर रहे हैं आप कि किस क्लास के, मेरी क्लास में किसकी कितनी कितनी परसेंटेज है, तो आप ऑब्वियसली ऑर्डर्ड में करेंगे. अच्छा, ये जो ऑर्डर होता है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर प्लस द पर्पस ऑफ योर स्टडी. अगर आप डिसेंडिंग से कंफर्टेबल हैं तो यू डू द डिसेंडिंग वाला, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द असेंडिंग देन यू डू द असेंडिंग वाला, लेकिन ऑर्डर होना चाहिए. नाइन, जिस तरह ये आपका 1 2 3 का ऑर्डर है, ये 3 to 1 नहीं है, 3 to 1 या 3 to 1 भी हो सकता है, 1 to 3 भी हो सकता है, ये 2 3 1 नहीं हो सकता, ठीक है. इट कैन नॉट बी मिस ऑर्डर्ड, इट कैन बी ऑर्डर्ड. कुछ डाटा आपके पास होते हैं जो कि आप कह लें कि बाय यूनिवेरिएट होते हैं, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है. कोई डाटा आपके पास बाय वेरिएट होते हैं, जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ट्राई होते हैं, कुछ मल्टीपल होते हैं. तो जब आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स वाला डाटा आ जाता है, तो ये जरूरी नहीं होता कि आपने एक डाटा के जो वेरिएबल है उसको मैयर किया है जिस लेवल ऑफ मैयरमेंट में, तो आपने उस डाटा के बाकी वेरिएबल्स को भी उसी लेवल में मैयरमेंट में मैयर करना है. दैट कैन नॉट बी द रीजन, दैट कैन नॉट बी द केस, बिकॉज आप डेमोग्राफिक जो वेरिएबल्स हैं, व्हेन यू आर कंसिडरिंग द इनकम ऑफ योर कैंडिडेट, द इनकम ऑफ योर सैंपल, द इनकम ऑफ द पीपल यू आर ऑब्जर्विंग, योर और यू आर टेकिंग द क्वेश्चन आई फ्रॉम, और द एज और द जेंडर, राइट, और द लेवल ऑफ एजुकेशन, तो यू कंसिडर नॉमिनल लेवल, ठीक है. बट वेन यू आर लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल, देन यू कैन स्विच ऑन टू द अदर लेवल ऑफ वेरिएबल. इसीलिए हम जो क्वेश्चन आइज बनाते हैं, तो उसमें जो हम लोग यूज करते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के लिए, आइडियल अप्रोच नॉमिनल यूज करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ उसको नेम करना होता है. नेम फीमेल और मेल को नेम कर दिया, हमने अपनी इनकम को नेम कर दिया, हमने अपने रिलीजन को नेम कर दिया, हमने अपनी एज को नेम कर दिया कि 15 से लेकर 17 तक के जो एज के बच्चे हैं उसको हम वन लिखेंगे, 18 से लेकर 22 तक के जो एज के बच्चे हैं हम उसको टू. So this can be happen in a research, in a single research, that you can adopt different levels of measurement for your data according to the need of the study, right? So second step hamara ordinal hai, that is considered a bit stronger than nominal, a bit, right? The next is interval. That is interval जो है वो आपके nominal को भी surpass करता है, आपके ordinal को भी surpass करता है, फिर interval आ जाता है. क्यों इंटरवल अच्छा इनसे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ऑर्डिनल में, व्हेन यू लुक एट द ऑर्डिनल, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्डर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्डर नंबर्स हैज नो मीनिंग एट ऑल, ठीक है. आपका वन से लेकर टू तक क्या डिस्टेंस है, ये आपको मैटर नहीं करता और ना इसका कोई मीनिंग है. किसी बच्चे ने आपका मार्क्स 15 लिए हैं और किसी ने 19 लिए हैं, 15 से 19 का जो डिस्टेंस है वो आपको मैटर नहीं करता, इट इज मीनिंगलेस टू यू. That is why order number से भी ज्यादा अच्छा interval consider किया जाता है, क्योंकि इसमें उसका distance matter करता है, क्योंकि इसमें उसका distance meaningful है to the researcher. Researcher is interested to know what is the story behind this distance, what this distance indicates to my variables, and if the distance is same from 30 to 40 to 40 to 50, and why is it same? What is the difference if it is not same? ठीक है, तो he finds out the questions, he finds out the answers to his questions like these, right? So interval जो है हमारा थोड़ा सा best consider किया जाता है from ordinal and from nominal, ठीक है, क्योंकि interval में क्या होता है, distance is meaningful. When you are very much interested to notice about the distance you are encountering with, आपके सामने जो distance आ गया है आपके data में, you are interested to know about it, ठीक है, क्यों distance है और उस डिस्टेंस को ही तो असल में आपने स्टडी करना था, ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस मीनिंगफुल होता है. देन द सुपर मोस्ट, द अपर, तो सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी होती है, दैट इज रेशियो, क्योंकि रेशियो में सबको सरपास करती है. रेशियो इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अप्रोच फॉर द लेवल ऑफ मेजरमेंट. आपके डेटा, अगर आपका रेशियो डेटा है, तो इट कैन गिव यू वेरी गुड गारंटीड रिजल्ट. नॉमिनल को भी ऑर्डिनल इंटरवल सबसे बेस्ट जो कंसिडर किया जाता है वो रेशियो कंसिडर किया जाता है.
क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो से ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। ना तो ये सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो से बेटा स्टार्ट होता है, बल्कि द जीरो इटसेल्फ शोज अ वेरी गुड मीनिंग। जीरो का अपना भी बड़ा मीनिंग होता है उसमें, ठीक है। तो जीरो जो है, जब रेशो में वी आर डिस्कसिंग जीरो इन रेशो, तो इट डजंट मीन कि जीरो हैज नो वैल्यू इन द रेशो। जीरो डज हैव काइंड सम काइंड ऑफ वैल्यू। दैट इज व्हाई रेशो इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट अप्रोच एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्ग अप्रोच व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इन सबसे सरपास कर जाती है रेशो। और ये सब When we were discussing these slides in the class, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है ये कहने आप एतराज किया था कि वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रेस केस, द मैन शुड मूव अप, राइट। सो यू कैन कंसिडर दिस इज एन एरर ऑफ द पिक्चर, और यू कैन कंसिडर द मैन इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द बेस्ट लेवल सो दैट ही कैन डिग हिज फ्लैग इन टू इट। जहां पे उसको बेस्ट लगेगा वो वहीं पे अपना जो है वो फ्लैग डिग कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही जगह पे टिक गया है, ऊपर नहीं जा रहा स्टेज से। आपने सिर्फ ये देखना है आपने पर्सन ना बनाए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस अबाउट द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट या व्हाट लेवल ऑफ मेजरमेंट शुड बी कंसीडर्ड आइडिया, यू जस्ट लुक एट द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अगर तो वो आपका एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यू शुड गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आपने बताने हैं। जो मेरिट्स और डीमेरिट्स आर, यू नो, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू इन द नोट्स। डू लेट मी नो इफ यू डोंट हैव दोस नोट्स योर हैंड्स ऑन, एंड आई कैन ईमेल यू, मैं आपको भेज दूंगी। आप पूछ लें अपने किसी क्लास फेलोज वगैरह से, अगर नहीं है तो डू लेट मी नो ऑन माय व्हाट्सएप, देन आई कैन ईमेल यू इजीली। बट लेकिन ये लेवल्स ऑफ मेजरमेंट कैन कम इन योर शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल और कैन कम इन योर लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल। जब ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा तो यू कैन ड्रॉ, यू नो, अ नीट एंड ब्यूटीफुल स्टेयरकेस जो आप ड्रॉ करते हैं, छोटा सा वो ड्रॉ करके आप उसमें बताएंगे तो आपको सिर्फ पता चल जाता है। देखिए, हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये क्या होता है कि आप एक पिक्चर से ही पूरी स्टोरी बयान कर रहे हैं। आप एक पिक्चर ही ड्रॉ करें और आपको पूरी जो है गेम समझ आ जाए कि ये क्या मुझे समझाया जाए। अगर आप चार सीढ़ियां इस तरह की जो है ड्रॉ कर देंगे और ये चीजें लिख देंगे, हेडिंग सिर्फ लिख देंगे, तो एग्जामिनर विल गेट टू नो कि कौन से लेवल ऑफ मेजरमेंट कहाँ लाए कर रहा है। यानी कि नॉमिनल लाइज एट द लोएस्ट, देन कम्स द ऑर्डिनल, देन कम्स द इंटरवल, देन कम्स द रेशियो, राइट। सो रेशियो इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट, व्हाई? बिकॉज इट इज एट द टॉप, ठीक है। आप इसको फ्लो चार्ट के उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो अपसाइड ही हो, यानी वो असेंड ही करे। नॉमिनल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो रेशो तक जाए, रेशो से नॉमिनल तक नहीं आए। वो इंडिकेट करेगा कि रेशो जी वीकेस्ट है और नॉमिनल स्ट्रॉन्गेस्ट है। डू नॉट डू वाइस वर्सा, बट यू हैव टू डू इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप इसको किस तरह जो है वो प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इट इज अ गुड प्रेजेंटेशन। आप इसको प्रेजेंट करें, अपनी चीजों को, अपने आंसर्स को मल्टीपल वेज में प्रेजेंट करना सीखें, ताकि आपके पास एक तो डाइवर्सिटी ऑफ प्रेजेंटेशन हो, प्लस आपके एक बहुत अच्छी अप्रोच बन जाती है टू आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल। तो जब आपके पास ये लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, तो हो सकता है एक भी आ सक जाए, या हो सकता है आपको जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो सारे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पूछ लें, या ये भी पूछ सकते हैं कि विच लेवल इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एंड व्हाई। तो यू शुड नो कि व्हाट यू हैव टू राइट के रेशियो कंसिडर करता है, लेकिन डोंट डायरेक्टली जंप ओवर द रेशियो। जस्ट टेल कि देयर आर दीज वेरी लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, बट रेशियो इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट, ठीक है। अपने आंसर को जितना डिटेल से, जितना प्रेजेंटेबल वे आप प्रेजेंट करेंगे, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो चांसेस फॉर यू टू गेट हायर मार्क्स आर हायर, ठीक है। तो ये हमारा, हम लोगों ने लेवल ऑफ मेजरमेंट रिवाइज किया है। होपफुली आप सबको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो जस्ट लीव मी अ क्वेरी ऑन माय नंबर, यू ऑल हैव इट, और जस्ट लेट मी नो थ्रू ईमेल और थ्रू व्हाट एवर मीन्स यू आर कंफर्टेबल विद। बट दीज स्लाइड्स आर मस्ट हैव, ये आपके पास होनी चाहिए, मस्ट हैव, इसमें से इनका ये ताल्लुक है। और नोट्स को भी डिटेल से स्टडी करें कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, इसको और आप अपने तरीके से एक्सप्लोर करें, इसको स्टडी करें। कभी भी देखें, अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी होती है, वो कभी भी फ्रॉम द जो स्पून फीडिंग है ना, उसका वो आदमी नहीं होता। स्पून फीडिंग क्या होता है कि स्पून में खाना रखा और वो जो है बच्चे के मुंह में घुसाया, उसको फीड कराया। थिंग्स
जो है ना बहुत आगे चली गई है, अब बड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है, हम लोग ई लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, ई एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आपने भी अपना जो सोशल मीडिया का जो यूज है, अपना जो इंटरनेट का यूज है, वो आपने ई लर्निंग की तरफ का ट्रेंड ज्यादा रखें, बिकॉज कॉम्पिटिशन भी डिफरेंट है और सिचुएशन भी डिफरेंट है। और अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी होती है कि वो अपने जो लर्निंग है उसको वर्सिटैलिटी देता है, उसको डाइवर्सिटी देता है, वर्सिटाइल स्टूडेंट को बन जाता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होता रहता है। तो मस्ट डू दैट, और खुद से भी फाइंड आउट करें कि इंटरवल रेशियो ऑर्डिनल और ये क्या होते हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, ताकि आप लोगों के पास इसका डीपी एनालिसिस होता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोगों एक और अपनी एक चीज रिवाइज करेंगे, विच आर जो हमारे डिजाइन ऑफ द रिसर्च है, उसके बाद वी विल कम टू द फाइनल टॉपिक्स। तो हम लोगों के कोर्स आउटलाइंस में हमारे जो वो टॉपिक्स हैं विच रिमेन्ड अनटच्ड बिफोर द लॉकडाउन हैपेंड, हम वो वाले आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ हम आएंगे इंशाल्लाह। ये आप लोगों के जो मेन जो चीजें थी जो रिविजन करनी बहुत जरूरी थी इन चीजों की, सो दैट आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चले, वो टॉपिक्स जिनमें ये आपके पास बैकग्राउंड पे रहने चाहिए, बैकग्राउंड ऑफ योर माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। आपको पता हो जब इंटरवल की बात हो रही है तो क्या बात हो रही है, आपको पता हो नॉमिनल का क्या मतलब है, ऑर्डिनल का क्या मतलब है, इतनी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बने कि जब हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर रहे हो, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर रहे हो, तो आपको ये बात रिपीट ना करनी पड़े। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई सी भी ऐसी टर्म होती है वो आपको रिपीट कर दूँ, रिवाइज कर दूँ, जैसे कि फ्रीक्वेंसी वगैरह मैंने रिवाइज की, लेकिन आगे आगे जब हम जाएंगे वो इटसेल्फ इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं that they need to be understood in a very clear way, they need to be understood in a very explained way, तो फिर हमारे पास इतना टाइम शायद ना हो कि मैं एक-एक टर्म को रिवाइज करूं, तो आप लोगों के जहन में खुद वो ऑलरेडी रिवाइज होनी चाहिए, आप लोगों के जहन में वो बहुत अच्छी टर्म बनी भी होनी चाहिए। सो ये लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, जब मैं आपको बात करूंगी कि किस लेवल का आपका मेजरमेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, अगर आपका डेटा नॉमिनल है तो आपको पता हो कि नॉमिनल का क्या मतलब है और ऑर्डिनल का मैम क्या बात कर रही है, ठीक है। तो दिस इज फॉर ऑल, दिस ऑल वॉज फॉर टूडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे फर्दर अपनी चीजें रिवाइज करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर सेल्फ सेफ, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज फॉर टूडे, अल्लाह हाफिज फॉर दिस सेशन।